हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम फ्योदोर दस्तोवस्की की एक नॉवल को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द इडियट। फ्योदोर दस्तोवस्की रशिया के एक वेल नोन फिलोसोफर एंड राइटर रहे हैं। उनके इस नॉवल को 1868 एंड 69 के अराउंड पब्लिश किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस नॉवल में दस्तोवस्की ने अपनी लाइफ से कुछ एक्सपीरियंस बताए हैं इसके मेन कैरेक्टर प्रिंस मशकिन के थ्रू। इसे उनका वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल वर्क माना गया है जिसमें उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी एंड फिलॉसफी के बारे में बताया एंड साथ ही अपनी लाइफ से जुड़े कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया, जैसे कि एपिलेप्सी। एपिलेप्सी होती है मिर्गी एंड एपिलेप्टिक फिट्स का मतलब होता है मिर्गी के दौरे। फ्योदोर दस्तोवस्की को ये प्रॉब्लम थी। इसके अलावा उन्हें मेंटल इलनेस भी थी और यही प्रॉब्लम्स को फेस करता है इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट प्रिंस मशकिन। और इसीलिए कहा गया है कि ये कैरेक्टर फ्योदोर दस्तोवस्की को काफ़ी हद तक रिप्रेजेंट करता है। इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है प्रिंस मशकिन, जो एक काइंड हार्टेड मैन है। वो हर एक इंसान में अच्छाई को देखता है, लेकिन उसे जो पर्सन मिलते हैं उसकी लाइफ में वो सभी इतने अच्छे नहीं होते। बहुत उनमें से करप्ट होते हैं जो उसे चीट करते हैं, लेकिन वो सबके साथ अच्छा बिहेव करने की कोशिश करता है, इसलिए बहुत से लोग उसे इडियट बोलते हैं। इस नॉवल में फ्योदोर दस्तोवस्की ने रशियन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को दिखाया है कि किस तरह से लोगों में मोरालिटी ख़त्म होती जा रही है। लोग सिर्फ पैसे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कोई किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं करता। तो ऐसे ही कुछ थीम्स से डील करती है ये नॉवल और ये अपनी कैरेक्टराइजेशन के लिए बहुत फेमस है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो अब हम इसकी स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंस मशकिन 26 ईयर्स ओल्ड मैन है। वो एक अरिस्टोक्रेट है, यानी कि एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन बचपन में ही वो ऑर्फन हो गया था। उसका एक गार्डियन है यानी कि बेनिफेक्टर, जिसका नाम पैवलीशेव है। मशकिन को नर्वस डिसीजेज हैं जिसके ट्रीटमेंट के लिए उसे स्विट्जरलैंड में भेजा गया था। तो 4 ईयर्स के ट्रीटमेंट के बाद वो अपने घर सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में वापस लौट रहा था, जिसके लिए वो ट्रेन में बैठा था। उसे वहाँ पे रोगोजिन भी मिलता है, जो कि उसका एक दोस्त ही है, एंड उसके साथ लेबेडेव भी बैठा है जो कि एक क्लर्क है। जैसे कि हमें पता है मशकिन अपना ट्रीटमेंट करवा के आया है, तो फिलहाल उसके पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन रोजोगिन के पास काफ़ी फॉर्च्यून है एंड वो काफ़ी टाइम से नस्तस्या नाम की एक विमेन को सड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। नस्तस्या कौन है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एंड रोजोगिन उसे ही देखने जा रहा है, लेकिन मशकिन अपनी एक दूर की रिश्तेदार से मिलने जा रहा है। उनका नाम है मिसिज लिजावेता अपेंशन। वो एक रिस्पेक्टेड एंड वेल्दी मैन की वाइफ है जिसका नाम है जनरल पेंशन। उनकी 3 अनमैरिड डॉटर्स हैं, अलेक्जेंड्रा, एडेलेडा एंड एग्लाया। एग्लाया इज द यंगेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल अमंगेस्ट देम। पहले तो जनरल पेंशन को मशकिन पे थोड़ा शक होता है कि पता नहीं ये कैसा इंसान हो, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। तो वो उसे जॉब देता है, कुछ पैसे देता है एंड अपने असिस्टेंट के अपार्टमेंट में उसे रहने के लिए जगह भी देता है। तो उनके असिस्टेंट का नाम है गैब्रियल अवॉल्गिन एंड उसका निकनेम गाने। गाने के साथ उस अपार्टमेंट में उसकी मदर नीना, उसकी सिस्टर वारिया एंड उसका ब्रदर कोल्या एंड उसके फादर जनरल अवॉल्गिन रहते हैं। इनके अलावा वहाँ पे एक और टेनेंट भी है जिसका नाम है फर्दिशेंको। तो अब इन सब के साथ वहाँ पे मशकिन भी रहेगा। तो गान्या नस्तस्या के साथ शादी करने वाला है। ये वही लड़की है जिसके बारे में रोजोगिन भी बात कर रहा था। ये एक वेल्दी मैन की मिस्ट्रेस है जिसका नाम है टोट्सकी। उसे और नहीं चाहता एंड वो कहता है कि मैं उसे 75,000 रूबल्स दूंगा जो नस्तस्या से शादी करने के लिए रेडी होगा। रूबल रशिया की करेंसी है, तो वो इस अमाउंट के लिए नस्तस्या से शादी करने के लिए रेडी तो हो जाता है, लेकिन वो चाहता एग्लाया को है, लेकिन एग्लाया उसे पसंद नहीं करती, इसलिए उसने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट किया। और गान्या ने इस बारे में मशकिन से बात भी की कि मैं एक लास्ट बार उसे प्रपोज करके देखना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं मानती। तो अब गान्या के घर में नस्तस्या को लेकर एक फाइट हो जाती है। उसकी मदर नीना एंड सिस्टर वारिया नहीं चाहते कि ये रिश्ता हो, क्योंकि गान्या ये शादी सिर्फ पैसे के लिए कर रहा था। तो उनकी फाइट के बीच वहाँ पे नस्तस्या भी आ जाती है। जब उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, तो वो उनकी भी इंसल्ट करती है। तो अब नस्तस्या के पीछे ही कुछ राउडी लोग उनके घर में एंटर हो जाते हैं एंड इनमें वो रोजोगिन भी होता है।
तो रोजोगिन तो हमें पता है कि पहले से ही नस्तस्या को लाइक करता है एंड वो उसे ये भी कहता है कि अगर तुम उससे शादी करोगी तो मैं तुम्हें 1,00,000 रूबल्स दूंगा। एंड उसी इवनिंग नस्तस्या की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें वो बताएगी दैट विद होम शी इज गोइंग टू मैरी विद गान्या और रोजोगिन। तो पार्टी स्टार्ट हो जाती है एंड टोट्स की जनरल इपेंशन गान्या फर्दिशन को जैसे लोग उसमें इनवाइटेड होते हैं। मशकिन को इनवाइट नहीं किया होता लेकिन फिर भी वो वहाँ पे पहुँच जाता है। पार्टी में नस्तस्या बोलती है कि मैं टोट्सकी के लग्जरियस लाइफस्टाइल को छोड़ के आई हूँ एंड उसके बिना मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा। तो रोजोगिन उसे 1,00,000 रूबल्स दे देता है कि मैं करूँगा तुमसे शादी। तो ऐसे वो गान्या को रिजेक्ट कर देती है एंड इसके बाद मशकिन नस्तस्या से कहता है कि मुझे कहीं से पता चला कि मेरे नाम भी कुछ प्रॉपर्टी है तो मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं लेकिन नस्तस्या उसे भी रिजेक्ट कर देती है एंड रोजोगिन के साथ ही चली जाती है। तो अब मशकिन 6-7 महीने नस्तस्या को ढूंढने में लगा देता है क्योंकि उसे कहीं से पता चलता है कि वो रोजोगिन को भी छोड़कर कहीं चली गई एंड मशकिन के नाम जो प्रॉपर्टी थी वो भी बहुत थोड़ी सी निकली। उसमें से उसने कुछ क्रेडिटर्स को दे दी, कुछ उसके फ्रॉड रिलेटिव्स ले गए। तो ऐसे मशकिन के साथ बहुत इनजस्टिस होता है लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं कहता। तो अब प्रिंस मशकिन रोजोगिन से मिलने उसके घर जाता है एंड वो देखता है उसका घर बहुत डार्क सा है, ग्लूमी एटमॉस्फेयर है वहाँ पर। वो एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं एंड अपने रिलीजियस व्यूज भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो मशकिन उसे मिलकर वहाँ से निकलता है तो रोजोगिन उसे फॉलो करता है एंड फिर उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन मशकिन को सडनली एपिलेप्टिक फिट्स आ जाते हैं एंड रोजोगिन ये देखकर एकदम से डर जाता है एंड वहाँ से भाग जाता है। तो इस इंसिडेंट के थोड़े दिन बाद मशकिन पेब्लोवस्क जाता है। ये एक समर टाउन है जहाँ पर वेल्दी पीपल वोकेशंस के लिए आते हैं एंड वहाँ पे उसे नस्तस्या, एग्लाया की फैमिली, गान्या की फैमिली ये सभी लोग मिलते हैं। मशकिन को वहाँ पे एक यंग मैन भी आकर मिलता है जिसका नाम होता है बर्दोवस्की। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लेट गार्डियन का सन हूँ। याद कीजिए मशकिन का गार्डियन था पेवलिशव जिसने उसे उसकी पेरेंट्स की डेथ के बाद रखा था, उसे बड़ा किया था। तो बर्दोवस्की उसे रूडली कहता है कि तुमने मेरे हिस्से की इनहेरिटेंस रखी है एंड मुझे वो वापस चाहिए। मशकिन को पता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो लोग फ्रॉड हैं लेकिन फिर भी वो उन्हें कुछ पैसे दे देता है। तो यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं कि मशकिन का दिल कैसा है। तो अब प्रिंस मशकिन अपना ज़्यादातर टाइम एपेंशंस के साथ ही गुजारता है एंड वो लोग रियलाइज़ करते हैं कि प्रिंस मशकिन एग्लाया से प्यार करने लगा है। एग्लाया भी उसे लाइक करती है लेकिन वो ऐसी लड़की है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेगी क्योंकि वो मशकिन को अपने से लो मानती है। वो उसका मजाक भी उड़ाती है एंड उसे इडियट बोलती है लेकिन एग्लाया की फैमिली मशकिन को उसका फियांसे मानने लगती है। उसी इवनिंग वो लोग एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें रशियन सोसाइटी के हाई क्लास लोग भी आते हैं। उस पार्टी में मशकिन से गलती से एक वास टूट जाता है एंड उसे फिर से एपिलेप्टिक फिट्स आ जाते हैं। तो फिर एग्लाया की फैमिली को ये लगने लग जाता है कि मशकिन एग्लाया के लिए सही मैच नहीं है लेकिन अब एग्लाया उसे नहीं छोड़ना चाहती। वो नस्तस्या से भी मिलती है जो कि काफ़ी टाइम से उसे लेटर लिखकर ये कह रही है कि तुम मशकिन से शादी कर लो, वो एक अच्छा इंसान है। तो वो दोनों मशकिन से मिलती हैं एंड उसे कहती हैं कि हम दोनों में से एक को चूज़ कर लो। अब मशकिन थोड़ा हेजिटेट करता है, इसी दौरान एग्लाया वहाँ से भाग जाती है। अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसे नस्तस्या से ही शादी करनी पड़ेगी। अब शादी के एक दिन पहले नस्तस्या ये रियलाइज करती है कि वो मशकिन से शादी करके उसकी इनोसेंस को ख़त्म नहीं करेगी, वो एक बहुत अच्छा इंसान है। इसीलिए वो शादी वाले दिन रोजोगिन को ढूंढकर उसके साथ ही भाग जाती है। तो प्रिंस मशकिन उन दोनों को ढूंढता हुआ सेंट पीटर्सबर्ग जाता है एंड उसे पता चलता है कि रोजोगिन ने नस्तस्या को मार डाला। तो इसके लिए रोजोगिन को 15 ईयर्स की सज़ा मिलती है साइबेरिया में। और एग्लाया के बारे में भी पता चलता है कि उसने एक अमीर पॉलिश मैन के साथ शादी करने का फैसला किया था लेकिन वो भी उसे छोड़कर चला जाता है। तो ये सब जानकर मशकिन पूरी तरह से टूट जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता एंड उसे ट्रीटमेंट के लिए स्विट्जरलैंड के उसी क्लिनिक में फिर से भेज दिया जाता है जहाँ से वो इलाज करवा कर आया था। तो ये स्टोरी जिस नोट से स्टार्ट हुई थी उसी नोट पे ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये कैसी लगी एंड फिर हम इसके थीम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।